हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो सभी लोग आ जाएं, आज हम लोग फिर से टेस्ट करने वाले हैं जो कि आपके रिवीजन टेस्ट है भूगोल का। लास्ट वीडियो हमने 8th क्लास के 4 चैप्टर का टेस्ट किया था। बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को मेरी बात जो है वो बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही है कि इस तरीके से आप लोग धीरे धीरे तैयारी करते रहोगे और एग्जाम कभी भी आपका होगा तो आप लोग बहुत अच्छा वहां पर परफॉर्मेंस दोगे। ठीक है, लास्ट वीडियो तो सभी बच्चों ने ही बहुत अच्छा किया था। सबके ही 38, 37, 39 में से इसी तरीके से मार्क्स जो है वो आए थे। ठीक है, कुछ एक दो बच्चों को ही छोड़कर, एक तो बच्चों को ही छोड़कर सभी बच्चों का अच्छा रिस्पांस था और 1000 से ऊपर बच्चों ने टेस्ट दिया था उस दिन। तो देखिए, सूचना जो है वो पहले ही दे दी जाती है। जो बच्चे नए जुड़ते हैं उनको यदि नहीं पता है कि टेस्ट जो है वो कैसे लिया जाता है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री टेस्ट होता है। यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि कौन सी क्लास का और कितने चैप्टर जो है वो आपके टेस्ट होंगे और याद भी आपको यहीं से करना है। यूट्यूब चैनल पर सभी वीडियोज जो है वो आपको मिल जाते हैं कि, और कुछ बच्चों ने पीडीएफ ली है, यदि आप लेना चाहते हैं तो आप भी लीजिए। यदि आपने नोट कर रखे हैं या बुक से पढ़ रहे हैं तब भी आप यहाँ पर टेस्ट दे सकते हो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो चलिए बच्चे जो है वो आ चुके हैं। आज का टेस्ट हम करेंगे जिसमें हम 8th क्लास के अंदर ही 4 चैप्टर के बाद के जितने भी चैप्टर थे आज आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा और आज आपकी 8th क्लास की पूरी रिविजन हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद आंसर देने हैं। तो कई बच्चे बोलेंगे कि मैम आज आपने नाम नहीं लिया, कितने मार्क्स जो हैं वो हम लोगों के आए थे। देखिए, सभी के बहुत अच्छे आए थे। ठीक है, तो किस किस का नाम जो है वो लिया जाए। तो आप लोग सभी जितने भी टेस्ट दिया था सभी के बहुत अच्छे आए थे, 37, 38। तो ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। इसी तरीके से आज भी आप लोग करना। चलो, क्वेश्चन 1 है, चूलिया और मेनाल जलप्रपात राजस्थान के किस जिले में स्थित है। चूलिया और मेनाल जलप्रपात राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है, सवाई माधोपुर, उदयपुर, टोंक या चित्तौड़गढ़। तो क्वेश्चन 1 लिखकर और उसके आगे सही ऑप्शन लिखकर सही आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए, इसका आंसर जो है वो आप लोगों ने लगा लिया होगा। और तो यदि आपने किया है ऑप्शन D, चित्तौड़गढ़। चूलिया और मेनाल जलप्रपात जो है वह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो आप लोग क्या करेंगे, अपने आप को खुद को एक नंबर देंगे कि हाँ मेरा एक सही हुआ है। जब खनिज निष्कर्षण ऊपरी सतह को हटाकर किया जाता है, ऐसा खनन किस प्रकार का खनन कहलाता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया है खनन की, विवृत खनन, आखनन, प्रवेधन या उत्खनन। तो बिल्कुल आंसर क्या रहेगा, आप लोगों के आंसर आ चुके हैं। सही आंसर जो है वो आप जान लीजिए, विवृत खनन, जहां पर ऊपरी सतह को हटाकर जो है वो खनिज निष्कर्षण किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटकों के लिए किस नाम से रेलगाड़ी नहीं चलाई गई है। फेयरी क्वीन, पैलेस ऑन व्हील, रॉयल्स राजस्थान ऑन व्हील या रॉयल पैलेस फेयरी ऑन व्हील्स। तो देखिए, इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन D। ठीक है, रॉयल पैलेस फेयरी ऑन व्हील, ये कोई भी तरीके की क्या है, रेलगाड़ी का नाम नहीं है। इसके अलावा रॉयल राजस्थान ऑन व्हील, इससे आप परिचित हो, पैलेस ऑन व्हील से भी, और फेयरी क्वीन भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4, भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार किस राज्य में है। फटाफट से आंसर लगाओ, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, झारखंड या इनमें से कोई नहीं। भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार किस राज्य में है। तो आप लोगों ने इतने अच्छे से याद किए हैं,
अब आपको कोई भी परेशानी नहीं आती होगी, फटाफट से आप लोग आंसर लगा लेते हैं। तो यहाँ आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी यदि आप लोग लगा दिया है आपने, तो क्या करेंगे, अपने आप को एक मार्क्स देंगे और सोचेंगे कि हाँ मेरे 4 क्वेश्चन के सही आंसर सभी रहे हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, राजस्थान में पहली रेल कब चलाई गई? 1876 में, 1872 में, 1874 में या 1974 में? तो चलिए यहाँ टाइम नहीं लगेगा, आप लोगों को याद होगा राजस्थान में पहली रेल कब चलाई गई थी, तो ऑप्शन ही कंफ्यूज करते हैं। आप लोगों ने याद किया है बहुत अच्छे से, तो आंसर जो रहेगा ऑप्शन सी 1874। निम्न में से सुमेलित नहीं है, ढाका की मलमल, मसूली पट्टनम की छींट, कालीकट के कैलिको और लखनऊ की सुनहरी जरी, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो फटाफट से इसका सही आंसर जो है उस पर टिक लगाना है। तो यहां पर आंसर आ चुके हैं, सही आंसर है लखनऊ की सुनहरी जरी, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर यदि होता सूरत या बड़ोदरा की सुनहरी जरी तो ये भी सही हो जाता। ठीक है, इसके अलावा ढाका की मलबल, मसूली पट्टनम की छींट, कालीकट के कैलिको, ये विश्व विख्यात है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में या राजसमंद में? तो यहाँ पर जो आंसर क्या रहने वाला है, आप लोग फटाफट से लगाइए आंसर। तो यहाँ आंसर जो है क्या है, उदयपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित हैं? जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में या कोटा में? तो बिल्कुल क्वेश्चन जो है आप लोगों को हार्ड नहीं लगने चाहिए। क्लास कौन सी है? 8th क्लास। ठीक है, किसी भी क्लास को छोटा नहीं समझना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि छोटा समझ के आप लोगों ने 6th क्लास की ज्योग्राफी का टेस्ट जो है वो अच्छे से नहीं किया था, बहुत ही आप लोगों के कम मार्क्स आए थे। ठीक है, 7th क्लास आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, 8th के 4 चैप्टर के लिए भी बहुत अच्छा आपने रिस्पांस दिया और आज भी आप लोग देंगे। तो क्वेश्चन 8 का आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल कोटा रहेगा। क्वेश्चन 9 है, राजस्थान राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? गरसिया जनजाति, भील, मीणा और सहरिया। तो ये सभी राजस्थान राज्य की जनजातियां हैं चारों, यहां सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो चलो अब आप लोगों ने लगा लिया है आंसर, अब मेरी बारी है सही आंसर बताने की। आंसर है भील जनजाति। ठीक है, आप अपने आपको एक नंबर दें, भील जनजाति आप लोगों ने टिक किया है। इसके अलावा मीणा जनजाति जो है वो सबसे ज्यादा है राजस्थान में। तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, व्यापार, पर्यटन, संचार और उद्योग। तो क्या रहेगा आंसर, तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है? और तीन जो है वो तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत मानी जाती है। तो यहाँ पर हर क्वेश्चन जो है वहां आपके दो आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो रहेगा उद्योग, क्योंकि उद्योग जो है वह क्या है, द्वितीयक आर्थिक क्रिया है। ठीक है, और वहीं अगर प्राथमिक की बात करें
तो आखेट, पशुपालन, मछली पकड़ना, खेती करना, ये सब क्या है? प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं, ठीक है। और द्वितीयक में उद्योग है, और तृतीयक में क्या है? व्यापार, पर्यटन, संचार। बोलेस्टोनाइट खनिज निम्न में से किस जिले में पाया जाता है? सिरोही में, अजमेर में, उदयपुर में, या उपरोक्त सभी? तो यहां पर आंसर जो है, चलिए आंसर आ चुके हैं आपके, ये सभी जो है बॉलेस्टोनाइट खनिज इन सभी जिलों में पाया जाता है, ठीक है। और राजस्थान जो है वो नंबर वन पर है इसमें। सीमेंट उद्योग हेतु कच्चा माल के लिए आवश्यक नहीं है चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला और बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल इनमें से कौन सा नहीं है? एग्जामिनर जो है वह ये नहीं शब्द लेकर क्वेश्चन क्यों पूछता है, कभी आपने सोचा है? वो इसलिए पूछता है ताकि वो ये देखना चाहता है कि इस बारे में आप लोगों ने कितना डीप में पढ़ा है। जिसने डीप में पढ़ा है वही आंसर जो है वो दे सकता है, क्योंकि एक एक पर टिक करना जो है या तुक्का लगाना, उससे आपका आंसर जो है सही नहीं रहने वाला, ठीक है। तो इसीलिए डीप जो है पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो आंसर जो है वो रहेगा डी ऑप्शन, बलुआ पत्थर, ठीक है। चलो सभी लोगों के सही जा रहे हैं। राजसमंद झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजसमंद में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में या सिरोही में? चलिए आप लोगों ने राजसम्मत और उदयपुर यहां लगाया है, आंसर क्या है? राजसम्मत, ठीक है, ऑप्शन ए। लघु उद्योग किसे कहा जाता है जिसमें 10 से 100 श्रमिक काम करें, छोटी अथवा छोटे पैमाने की मशीनें हो, छोटे कारखानों में संचालित हो, या उपरोक्त सभी सही हैं, या इनमें से ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, या ऑप्शन सी ही सही है? तो यहाँ पर जो आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि लघु उद्योग जो है वह 10 से 100 श्रमिक काम करते हैं, छोटे पैमाने में मशीनें होती हैं या और छोटे कारखानों में संचालित होते हैं, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल जो हैं जैसे माचिस उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया, ठीक है, औषधि निर्माण उद्योग हो गया, तो ये सभी लघु उद्योग में आएंगे। अभ्रक, जिप्सम, संगमरमर और ग्रेनाइट ये किस प्रकार के खनिज हैं? धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा ऊर्जा खनिज और लोह धातु खनिज। अभ्रक, जिप्सम, संगमरमर और ग्रेनाइट, यहां रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। लगभग बच्चों के आंसर सही जा रहे हैं। क्वेश्चन 16 है, आधारभूत उद्योग का उदाहरण है इस्पात उद्योग, माचिस उद्योग, ईंट उद्योग या चमड़ा उद्योग। आधारभूत उद्योग का उदाहरण है, तो चलिए आप लोगों के आंसर आ गए हैं। यहां पर आंसर जो है वह रहेगा ऑप्शन ए, इस्पात उद्योग। किस राज्य की मोनोजाइट मिट्टी में थोरियम पाया जाता है? राजस्थान, उड़ीसा, केरल या महाराष्ट्र?
तो यहां पर 3 या 4 सेकंड में फटाफट से बताओ इसका सही आंसर। तो यहां पर जो आंसर लगाया है सी ऑप्शन, केरल। केरल यहाँ मोनोजाइट मिट्टी में थोरियम पाया जाता है। ठीक है, 17 का सभी ने आंसर जो है वह सही नहीं किया है, तो आप लोग सही करिएगा केरल राज्य। ठीक है, ऊनी खादी से निर्मित प्रसिद्ध बरड़ी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर। ऊनी खादी से निर्मित प्रसिद्ध बरड़ी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? चलिए आंसर आ गए, अब देखिए आंसर है जैसलमेर। ठीक है, राजस्थान राज्य के किस जिले में श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है? सवाई माधवपुर, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। तो ये तो हमने हाल ही में किए थे जब राजस्थान का इतिहास और संस्कृति का चैप्टर हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री के अंदर, कि श्रीनाथ जी का मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है। तो ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो इसका आंसर जो है वो आ चुके हैं, देखिए आंसर है राजसमंद। ठीक है, चलो क्वेश्चन 20 देखते हैं। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? 1975 में, 1979 में, 1974 में, 1952 में। तो बिल्कुल यहाँ जो आंसर जिसने किया है ऑप्शन B 1979, ठीक है वो सही है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उदयपुर को, भीलवाड़ा को, बांसवाड़ा को या जयपुर को? तो यहाँ पर समझने की तो बात ही नहीं है, यदि आपने याद किया है आपने टिक लगा दिया होगा। आंसर है भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, और भीलवाड़ा को ही क्या कहा जाता है? वस्त्र नगरी कहा जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर, 30 मार्च, 25 जनवरी या 1 मार्च? तो क्या रहेगा आपका सही आंसर? तो चलिए यहां पर आंसर जो है सबके आ चुके हैं और ऑप्शन C सही है, 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, और वहीं ये डेट भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, 21 सितंबर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है और 30 मार्च जो है वह क्या है? राजस्थान पर्यटन दिवस है। लोह धातु अयस्क का प्रकार नहीं है, हेमेटाइट, लिग्नेटाइट, मैग्नेटाइट या लिमोनाइट? तो बिल्कुल आंसर क्या है इसका? आंसर है लिग्नाइट। लिग्नाइट लोह धातु अयस्क का प्रकार नहीं है, ये किसका है? कोयले का प्रकार है। किसके द्वारा भारतीय जनगणना का कार्य किया जाता है?
सांख्यिकी विभाग, मानव संसाधन विभाग, भारतीय जनगणना विभाग या राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग? तो किसके द्वारा किया जाता है भारतीय जनगणना का कार्य? तो हम लोग क्वेश्चन 24 पर आ चुके हैं, तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएं फटाफट से। कुछ जल्दी लगा लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है आंसर, कुछ सोचते हैं कौन सा होगा और लास्ट में बच जाते हैं, तुक्का लगाने वाले। ठीक है, तो देखिए तुक्के से तो कभी काम नहीं चलता है और ना ही चलेगा। तो क्वेश्चन 24 का आंसर जो है वो भारतीय जनगणना विभाग। ठीक है, चलो। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग किसे माना जाता है? चमड़ा उद्योग, खनिज उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग या सीमेंट उद्योग? तो यहां सभी का आंसर जो है वो सही रहने वाला है। क्वेश्चन 24 का राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा? ऑप्शन सी, वस्त्र निर्माण उद्योग सबसे प्राचीनतम उद्योग है राजस्थान का। ठीक है, तो इससे जो सूती वस्त्रों से संबंधित पहली मिल जो है वह अजमेर में ही स्थापित की गई थी। ठीक है, जो कि वस्त्र उद्योग से संबंधित थी। निम्न में से परंपरागत ऊर्जा संसाधन नहीं है? सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल या कोयला? तो इनमें से परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन सा नहीं है? तो ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग प्राचीन समय से हो रहा हो, तो ऐसे ऊर्जा संसाधन क्या कहलाएंगे? परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या है? नहीं, तो आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा। ठीक है, और प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, कोयला, इनको याद रखिएगा तीनों को। ये क्या है? परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, इनका उपयोग जो है हम बहुत समय से कर रहे हैं। वन आधारित उद्योगों के उदाहरण नहीं है? बांस का सामान, माचिस उद्योग, कागज उद्योग और चमड़ा उद्योग? तो क्या रहेगा यहां पर आंसर? वन उद्योग। इनमें से वन पर आधारित उद्योग कौन सा नहीं होगा? बांस का सामान ये तो होगा, माचिस उद्योग ये भी होगा, कागज उद्योग भी होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? चमड़ा उद्योग नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा, यह तो कच्चे माल पर आधारित उद्योग कहा जाएगा। ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण आकार के आधार पर नहीं किया जाता? वृहत उद्योग, घरेलू उद्योग, लघु उद्योग या निजी उद्योग? तो फटाफट से आंसर जो है वह है लगाइए। तो यहाँ जो आंसर राइट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 28, नंबर लिखकर, क्वेश्चन नंबर लिखकर और उसके आगे जो है वो ऑप्शन आप लगा दीजिए, मैं बाद में देखूंगी किसने कौन सा सही किया है। तो यहाँ क्वेश्चन 28 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। क्यों रहेगा? क्योंकि वृहत उद्योग, घरेलू उद्योग और लघु उद्योग ये क्या है? आकार के आधार पर है उद्योग, लेकिन निजी उद्योग जो है वह क्या है? स्वामित्व के आधार पर है। किन कटिबंधीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के विकास की प्रबल संभावना व्यक्त की जाती है? शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध? फटाफट से बताओ इसका सही उत्तर, कि
कौन से कटिबंधीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा के विकास की प्रबल संभावना व्यक्त की जाती है? तो सौर ऊर्जा क्या है, परंपरागत है या गैर परंपरागत? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है यह सौर ऊर्जा। ठीक है, चलो फटाफट से इसका सही आंसर जो है वो आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है यह। तो क्या रहेगा आंसर? रहेगा बी ऑप्शन, उष्ण कटिबंध। ठीक है, 30 देखिए, राजस्थान राज्य में पर्यटन को सर्वप्रथम उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1985 में, 1983 में, 1989 में या 1991 में? तो यहां पर जो आंसर रहेगा, यदि आपने लगाया है आंसर ऑप्शन सी 1989, ठीक है, तो आप लोग सही हो। अब मैं आप लोगों के कमेंट में देखूंगी कि आप लोगों ने कितने राइट किए हैं। तो इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट आप लोगों का टेस्ट 9th क्लास की ज्योग्राफी का होगा। कब होगा, कितने बजे होगा, तो ये चीज आपको बता दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।